और दोस्तों आप लोग 13,000 के अंदर एक बढ़िया सा 5G स्मार्टफोन परचेस कर लेते हो, जिसके अंदर पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा, बड़ा डिस्प्ले के साथ, बड़ा बैटरी के सपोर्ट और बाकी सब स्पेसिफिकेशन टॉप नॉच लेवल का मिले, तो मेरे वीडियो को आखिर तक देखिए ना, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैंने आप लोगों के लिए टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोनों को सिलेक्ट किया है जिनमें ये सब स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये सर स्मार्टफोन 13,000 के अंदर टॉप नॉच लेवल का वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। और गाइस हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है Redmi 12 5G। 13,000 के अंदर Redmi की तरफ से पावरफुल लेवल का स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6179 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 550 नीट पीक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस की बात किया तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ट है। 450,000 के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर 7.5G का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का डेप्थ और 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 108GB पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 18W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, MIUI पे बेस्ट है। LPDDR4XM UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। और स्मार्टफोन का प्राइस के बाद क्या है तो 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 11,999 rupees में मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है Realme 12X 5G। 12,000 के अंदर Realme की तरफ से एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली Realme 12X की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 800 नीट पीक ब्राइटनेस दिया गया है साइड माउंटेड एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात किया जो मीडिया की तरफ से डायमंड सीरीज 6100 प्लस चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 7.5G का सपोर्ट दिया गया है। 4,20,000 के ऊपर एंड्रॉइड फोन निकल जाता है। LPDDR4XM UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का कैमरा का बात किया जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा और 2MP का एक सेंसर दिया गया है और 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 45W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, रियलमी UI 5.0 पे बेस्ड है। और स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर, IP54 का वाटर एंड डस्ट रेटिंग दिया गया है। और प्राइस की बात की तो 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट अभी के टाइम पे 12,000 के अंदर मिल जाएगा और 6GB रैम 128GB वेरिएंट 13,000 rupees में देखने को मिलेगा। नंबर 3 पे आता है मोटोरोला की तरफ से G54 5G। गाइस मोटोरोला की तरफ से स्टॉक एंड्रॉइड क्लीन UI एक्सपीरियंस के साथ आने वाला एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 240Hz का टच सैंपलिंग रेट, 560 नीट पीक ब्राइटनेस मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात की जाए तो मीडिया टेक की तरफ से डायमेंसिटी 7020 का 5G चिपसेट आता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 4,70,000 के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 14.5G का सपोर्ट मिलता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात की जाए तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा हाइड और 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाती है। 1080p पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 6000mAh की बैटरी मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 30W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है, IP52 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज। फाइनली स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए 8GB रैम 128GB मेमोरी मिल जाएगा 13,999 rupees में। डिस्काउंट लगा के 13,249 rupees में मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। 15,000 के अंदर सैमसंग की तरफ से एक लेटेस्ट जबरदस्त लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 800 nitpick brightness मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो मीडियाटेक की तरफ से डायमंड सिटी
6100 प्लस चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। फोन लॉक का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है। 13 5G रैम का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाएगा और 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा 25W चार्जिंग के साथ। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। UI 6.1 पे बेस्ड है। 4 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 4GB रैम 128GB वेरिएंट अभी के टाइम पे 13000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है Vivo T3X 5G। 13000 के अंदर Vivo की तरफ से एक लेटेस्ट बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Vivo T3X 5G की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को। 1000 nit peak brightness दिया गया है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की जो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस्ड है। 5,60,000 का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल कर आता है। LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। और 6000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 44W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। Android OS 14 पे बेस्ट है। IP64 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग दिया गया है। डुअल स्पीकर मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 4GB रैम 128GB रैम 13,499 रुपीज में देखने को मिलेगा और 6GB रैम 128GB रैम 15,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएगा।